भारतीय निर्वाचन आयोग ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को नोटिस भेजा है। आयोग ने राजीव कुमार से उनकी टिप्पणी पर सफाई मांगी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव के पहले किए गए एक वादे पर टिप्पणी की थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को ऐलान किया था कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीती तो देश के 20% यानी 5 करोड़ गरीबों को प्रतिमाह 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कांग्रेस ने इसे न्याय यानी न्यूनतम आय योजना का नाम दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे कोरा वादा करार दे रही है। कांग्रेस के इस चुनावी वादे को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा था कि ये योजना कभी लागू नहीं होगी। उन्होंने ट्वीट किया था कि यह सच है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पहले भी लोगों से चांद का वादा कर चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक स्कीम का ऐलान किया है जो कि राजकोषीय अनुशासन को तोड़ देगा। इससे काम ना करने का चलन बढ़ेगा। यह कभी लागू नहीं हो सकता।